अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वाटर हीटर लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, सॉफ्ट वाटर यूज करें, हार्ड वाटर को अवॉइड करें। दूसरा पॉइंट है, आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो गीजर है वो बहुत लंबे समय तक ऑन ना रहे। जब सब नहा लें या गीजर का काम खत्म हो जाए तो आपको उसको पावर से ऑफ कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपका जो गीजर है, अगर किसी वजह से उसका टैंक आपने खाली किया हुआ है तो आपको उसे कभी भी ऑन नहीं करना है, इससे उसका हीटिंग एलिमेंट खराब हो सकता है। पॉइंट नंबर फोर, आपको हमेशा चेक करते रहना है कि आपका गीजर या फिर वॉल्व्स कहीं से लीकेज तो नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर फाइव, अगर कहीं से वाटर लीकेज हो रहा है तो वो पानी पावर सॉकेट में कभी नहीं जाना चाहिए, जिससे कोई हादसा भी हो सकता है, तो ये चीज आपको हमेशा चेक करते रहनी है। पॉइंट नंबर सिक्स, ऑलवेज ट्राई टू सेट ऑप्टिमल टेम्परेचर इन योर वाटर हीटर। एंड सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा अपने वाटर हीटर की पीरियोडिकली सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका वाटर हीटर लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहेगा।